हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेशन प्लानिंग। ये वीडियो थर्ड है इस सीरीज का एचआर मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं या हमारे प्रीवियस वीडियोस सक्सेशन प्लानिंग पे भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर। टैलेंट मैनेजमेंट को समझने से पहले हम एक चीज समझ ले कि टैलेंट मैनेजमेंट होता क्या है। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जब भी एक पोटेंशियल एम्प्लॉय हमें मिलता है, या वो फ्रीलांसर हो या फिर एक इंटर्न हो, तो हमें उसे किस तरीके से नर्चर करना चाहिए ताकि वो एक लीडर बन सके, इसे हम टैलेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं। और यही बात लागू होता है कंपनी के अंदर भी। अगर हम एक कंपनी के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि हमारे कंपनी के लिए टैलेंट मैनेजमेंट आखिर है क्या। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में यह है कि 61% ऑर्गेनाइजेशंस के पास टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। एक पोटेंशियल एम्प्लॉय को टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि तभी उसे सही तरीके से प्रमोशन और सारे उसको फायदे मिल सकते हैं ताकि वो आपके कंपनी के लिए काम करे और आपको भी फायदा पहुंचाए। इसके अंदर हमें कुछ बेसिक पॉइंट को देखना होता है, लाइक वो टैलेंट किस जगह पे फिट कर रहा है, वो किस डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट काम कर सकता है, वो सिंगल हैंडेड काम ज्यादा बढ़िया करता है या फिर वो टीम के साथ काम ज्यादा बढ़िया करता है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। हमें अपने कंपनी के अंदर क्रिएट करना होगा किस ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू को हमें लेकर चलना है, किस सेक्टर के अंदर हमें किस आदमी को डालना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम को कर सके, और इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ा सकते हैं। हमें वीकेंड्स पे क्लोज रखना है या किसी और दिन अपने कंपनी का हॉलीडे रखना है, इसे भी हमें इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रख सकें। हमें कितने तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाना चाहिए, कितने वे ऑफ इनकम देना चाहिए, हमें क्या एक्स्ट्रा बोनस देना है किस डिपार्टमेंट को किस तरीके से, उसे भी इवैल्यूएट करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि एक लीनियर वे में सबको इक्वली प्रमोशन और सारे बेनिफिट्स किस तरीके से मिल सकता है बिना किसी फ्लो के। हम टैलेंट मैनेजमेंट ABCD ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसी तरीके से हम अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उसे डेवलप करना है, इस चीज को भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 4 पॉइंट से मेनली क्रिएट किया जा सकता है और इसे इवेल्युएट किया जा सकता है। पहला, रिसोर्स, ताकि हम देख सके कि किस तरीके से रिसोर्सेस हमें इस्तेमाल करना है और किस तरीके का रिसोर्स अवेलेबल कराना है ताकि हमारा परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा बना रहे। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट, ताकि हम अपने टैलेंट्स को सही तरीके से कंट्रोल कर सके और सही तरीके से हम इन्हें पोटेंशियलाइज कर सके। रिवॉर्डिंग सिस्टम, थर्ड, रिवॉर्डिंग सिस्टम मतलब किस तरीके से हमें रिवॉर्ड करना चाहिए एक एम्प्लॉय को, इसे भी हमें समझना चाहिए। और फोर्थ, एम्प्लॉय डेवलपमेंट यानी उनको सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल किस तरीके से देना चाहिए, इस चीज को हमें इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हम सही तरीके से अपने एम्प्लॉयज को नर्चर कर सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। अगर हम परफॉर्मेंस और टैलेंट को इवैल्यूएट करना चाहें अपने कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे योर स्टार्टअप के थ्रू हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है, ग्राफ क्रिएट किया है, जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेनली ये 9 तरीके का 9 क्वाड्रेंट में क्रिएट करके समझाया जाता है, पर हम इसे 4 क्वाड्रेंट में सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक ग्राफ क्रिएट करते हैं जिसमें वर्टिकली हम स्किल और हॉरिजॉन्टली हम विल अगर डालते हैं, तो इस ग्राफ पे जो ओरिजिन पे जो क्रिएट होता है एक बॉक्स, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज आते हैं यानी जिनके पास स्किल भी कम होता है और विल भी कम होता है, उन पे ज्यादा समय हमें देना होगा। वहीं पे अगर किनके पास स्किल ज्यादा है पर विल कम है, उन्हें हमें मोटिवेट करना होगा, उन्हें हमें विजन दिखाना होगा अपनी कंपनी का ताकि वो हमारे कंपनी के लिए काम कर सके, और उन्हें भी अपना फायदा दिखाना होगा उस कंपनी के अंदर अगर वो काम करते हैं तो किस तरीके से उन्हें भी फायदा पहुंच सकता है, इस चीज को उन्हें दिखाना होगा ताकि उन्हें एक विजन मिल सके। अगर हम तीसरी पॉइंट्स की बात करें तो एक ऐसा भी समय आता है जब विल ज्यादा होता है किसी के पास पर स्किल नहीं होता है। ऑफ कोर्स उसे हमें स्किल पहुंचाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके अपने कंपनी के लिए दे सके, और उसे हम स्किल्ड हर तरीके से, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल या फिर टेक्निकल स्किल, पीपल स्किल, किसी भी तरीके से हम उसे एक नर्चर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें जो कि फाइनल क्वाड्रेंट है, इसमें स्किल और विल दोनों एम्प्लॉय के पास अच्छा होता है और ये बेस्ट एम्प्लॉय कहला सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपको बस नर्चर करते रहना है और इनके पे ध्यान रखना है, इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्रिएट करके रखना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा आपके विजन के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ा सके, और इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो ये था एक ग्राफ सिस्टमैटिक वे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अब हम एक स्पिरिचुअल बिजनेस लेसंस भी सीखेंगे, तो आइए अब स्पिरिचुअल बिजनेस लेसंस को जरा सक्सेशन प्लानिंग के वे में सीख लें, जिससे हमारा कंपनी डिकेड्स तक प्रॉफिटेबल बना रहे और बढ़ता रहे। हमारे कंट्री में काफी सारे बड़े बड़े बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो काफी सालों से चल रहे हैं। वो अपने एक वैल्यूज को क्रिएट करके रखते हैं और उसी के ऊपर अपने बिजनेस को चलाते हैं। पर अगर हम इनिशियली बात करें तो एक बिजनेस पर्सनल प्रॉफिट के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप पर्सनली प्रॉफिटेबल हो सके, पर्सनली आप वेल्थ क्रिएट कर सके अपने लिए। और इस वजह से अगर एक बिजनेस एक पर्सन के अराउंड अगर क्रिएट किया गया है तो बहुत डिफिकल्ट होता है पास ऑन करना दूसरे लीडर को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की उस चीज को आदत नहीं होती है और एक वैल्यू क्रिएटेड नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस वजह से ऑटोमेटिक वे में वो सारा कुछ काम नहीं हो पाता और इस वजह से इयर्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं एक नए
नए कल्चर्स को क्रिएट करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके कारण काफी सारी कंपनीज लॉसेस में काफी ज्यादा जाती हैं या उन्हें बैंकरप्ट भी होना पड़ता है। एक एज के बाद एक बिजनेसमैन प्रॉफिट या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर देता है और उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में भी जाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन में होता है। वो अलग अलग फील्ड में या तो डेवलप करना चाहते हैं या किसी और एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही अपने कंपनी के अंदर एक कल्चर क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि हमें बाद में ज्यादा परेशानी ना हो। एक बिजनेसमैन शुरू में इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचता है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा लॉस बाद में चलकर होता है। और इसीलिए हमारा फोर्थ लेसन है कि हमें अपने आप को मल्टी डायमेंशनल रखना चाहिए ताकि हम मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ को भी छू सकें, हम मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ को भी छू सकें और इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इस वजह से हम अपने आजू बाजू के लोगों से डरेंगे भी नहीं कि वो हमारे पोस्ट को कहीं ले ना ले या फिर इस तरीके के कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम कर बैठते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इन सारी चीजों से भी हम बचे रह सकते हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी क्रिएट हो सकता है। सो मल्टी डायमेंशनल रहना काफी इंपॉर्टेंट है। सो सक्सेशन प्लानिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा अगर आप अपने अराउंड में लोगों को रहने देंगे, सर्किटेड लोगों को जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, जिनका हाई स्किल भी और विल भी हो, ताकि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और कंपनी कल्चर को क्रिएट आपके साथ में कर सके, जिस वजह से वो स्पीड बढ़ जाएगा और एक सक्सेशन प्लानिंग अपने आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। बस आपको मॉनिटर और इवेलुएट उसे करते रहना होगा समय पे, और जो भी इन सारी चीजों को आपके एक्टिविटी को आपके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व करेगा वो डेफिनेटली आपके पोजीशन को आराम से एडमायर करेगा और आराम से उसे टेक ओवर भी कर सकता है। तो ये था एक वीडियो सक्सेशन प्लानिंग के बारे में, ये पार्ट थर्ड था। बाकी के पार्ट्स को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें ताकि आपको सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सारा कुछ पता हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहे। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।